हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। कितने दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ आज, ऑलमोस्ट 10 दिन बाद। 14 तारीख को लास्ट व्लॉग किया था जो आपने 20 तारीख को देखा, और आज है 24। तो आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं पहले जाने वाला था बदरवा। पूरा प्लान था कि भाई बर्फ में जाएंगे, मजे करेंगे, फुल बढ़िया बढ़िया व्लॉग देंगे आपको। लास्ट मोमेंट पर थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो गया यार, आई एम सॉरी। कुछ चीजें जो थी वो नहीं हो पाई, बाकी ऋतिक चला गया, प्रेजेंस चले गए, वो जा चुके हैं, उन्होंने थोड़ी सी वीडियो शेयर की हैं, तो अगर आपको भी देखने तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, देखो थोड़ा सा एंजॉय करो और फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस थोड़ा सा सीन हो चुका है, सुबह थोड़ा सा मूड खराब हो चुका है, सच बताऊँ तो। गाड़ी भी किसी ने स्क्रैच मार दिया बहुत गंदे वाले, क्या कर सकते हैं, हो चुका, दिखाता हूँ आपको एक बार बाहर जाके। चलो लेट्स गो। ये निकल भी नहीं रहे पता है, और पूरे देखना यहाँ से ना ये पूरी लाइन ऐसे, और ये देखो यहाँ से पूरी लाइन मारी है ऐसे करके किसी ने ना, और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब इंटेंशनली नहीं मारी है बंदे ने पूरी, ये देखना। और ये निकल भी नहीं रहा यार अभी पूरा ना, मेरे ख्याल से पेंट ही उतर गया यहाँ से। देखता हूँ कंपाउंड काट के यहाँ पे देखना यार, ये ना पूरा मतलब ऐसे स्ट्रैच ही स्ट्रैच मार दिया, वहाँ देखना यहाँ से पैर पूरा रखना, वो चढ़ा है यहाँ से, ये भी देखना धूल आना, नीचे पूरे स्ट्रैच पड़ गए, देखना यहाँ से पेंट ही उतार दिया पूरा, ये देखो। क्या ही बोलूँ यार, मतलब गुस्सा आता है मेरे को, इतना गुस्सा आता ना यार, बिल्कुल नई गाड़ी यार, अभी 10 साल चली है खींच के अभी, और पता बंदे ऐसा कर देते हैं यार, बच्चे भी मतलब क्या ही बोलूँ यार। अब पता नहीं यार, और ये ऐसा नहीं सिर्फ हमारे साथ होता है पता है, ये हर गाड़ी के साथ, मतलब कोई भी गाड़ी गली में लगाओ आप, रोड पे लगाओ, इंडिया में हर जगह ये होता ही होता है। पूरा स्क्रैच मार दिया पीछे से, इतना दुख हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इसमें क्या ही बोलूँ मैं। और यार गाड़ी भाई थार थोड़ी ना यार, अल्टो वास्ट पीछे मतलब डिटी है पैर के, तुम कहाँ चल रहे हो यार, क्या मतलब नेक्स्ट लेवल बंदे हो यार तुम लोग। और अभी जाता हूँ मतलब उसका देखता हूँ ना, कंपाउंड वगैरह कराऊंगा उससे, ये निकल जाता है वैसे, पर अगर नहीं निकला तो फिर समझ लो उसका पेंट ही उतर गया हुआ है। और पीछे यार इसका कवर लेके आऊंगा, कवर लगाऊंगा इस पर, उसके बाद भी होगा तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते ना, पर चलो उतनी सेफ्टी तो होती है, चलो यहाँ नहीं होगा, फिलहाल निकलते हैं और देखते हैं क्या बनता है, ठीक है चलो। सो गाइस अभी ये कंपाउंड ले लिया मैंने, अभी लगा के देखता हूँ गाड़ी पे, स्क्रैच चले जाने चाहिए इससे तो। अभी ये देखो यार मैंने कंपाउंड तो पूरा लगा दिया ना, कैसा लग रहा है अजीब सा। और यहाँ पे भी ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ पे पूरी लाइन थी ऐसे करके। तो अभी इसको थोड़ा सूखने देते हैं ना, फिर इसको ऐसे साफ करेंगे पूरा, उम्मीद है कि बस निकल जाए यार, साफ हो जाए पूरा। तो अभी ये देखो पीछे ये बैठे हैं इधर ऑडियंस, क्या देख रहे हो, गाड़ी को देख रही हूँ अपना, क्या हाल बनाया आप लोगों ने गाड़ी। सो इस कंपाउंड उन्होंने मार दिया ना, पर उससे आधे स्क्रैच निकले हैं एक्चुअली यार, उससे ना पूरा वो ऐसे स्क्रैच मार के ना पूरा पेंट ही उतार दिया था, तो वो तो हो नहीं पाएगा उससे। पर अगर कोई बच्चा या कोई ऐसा कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा तो प्लीज यार मत किया करो ऐसी व्यक्ति, बहुत दुख होता है यार, बहुत ज्यादा दुख होता है, मतलब ना बता नहीं सकता कितना मूड ऑफ हो जाता है पूरी चीज देख के। मुझे पता है यार ये सब ना मतलब बच्चे या कोई भी जो भी करता है ना, मजे के लिए करते हैं, चलो यार आज करके देखते हैं कैसा लग रहा है। पर यार मेरी ना उनसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, देखो यार अगर आप ये सब करते हो ना प्लीज मत करो, अपने मजे के लिए किसी को दुखी करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, अपनी खुशी के लिए करो यार, और कोई भी ऐसे काम मत करो ना जिससे दूसरे को दुखो। बाकी तो कोई ऐसा गुस्सा नहीं है, कोई वो है नहीं ना, क्योंकि हो जाता है यार मतलब कर देते ऐसे शरारत शरारत में बच्चे, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बस इतना ही है कि यार किसी को दुखी करके क्या ही मिलेगा ना, छोटी जिंदगी है, मजे करो, जैशी मारो यार फुल, ठीक है। फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं अभी यहीं पे, और मत करो यार ऐसा, प्लीज समझा करो ना, किसी को क्यों दुखी करना, अपनी मजे के लिए खुशी के लिए बांटो यार, फुल मजे करो, दोस्तों के साथ पंगे करो, पर किसी को दुखी मत करो, ठीक है। फिलहाल अब निकल रहा हूँ मैं हरदीप के पास, हरदीप से मिल के आता हूँ, ये बात को थोड़ा छोड़ते हैं, बहुत स्ट्रेस दे रही है चीज़ें, ऐसी गाड़ी की हालत देख के ना बहुत बुरा लगता है मेरे को, सही बता रहा हूँ, मेरे को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और उसको कुछ हो जाए ना वो भी ऐसे तो थोड़ा दुख होता है यार, सबको होता है मुझे पता, सबको होता होगा। फिलहाल अभी निकल रहा हूँ मैं हरदीप के पास, उससे मिल के आता हूँ, काफ़ी दिन हो चुके उससे मिले हुए, अभी निकल रहा हूँ घर से, थोड़ा तैयार होता हूँ, जैकेट वगैरह डालता हूँ, सर्दी तो है बाहर, धूप निकले हुए भाई 20 दिन से ऊपर हो चुके, तो अभी निकल रहा हूँ घर से सीधा, वहीं जाके मिलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहो। और आज थोड़ा सा मतलब मैं ना बातें ज़्यादा कर रहा हूँ तो थोड़ा माफ़ कर देना, बाकी आप समझ सकते हो यार मेरा दुख की, मतलब सुबह सुबह उठ के आप ऐसी चीज़ें देखते हो ना, सही हो थोड़ा मूड सा खराब तो हो जाता है ना, बाकी चलो कोई नहीं, अब लव यू ऑल सबको भाई, कोई टेंशन नहीं है, कोई गुस्से की वाली बात ही नहीं है, डर देता है यार शरारत में, तो चलो छोड़ो बस ये इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है चलो निकल रहे हैं अभी घर से, सीधा वहीं जाके मिलते हैं, ओके बाय। इसको चलाई भी काफ़ी दिन हो गया, ये भी स्टार्ट होगी पता नहीं, हालत देखने से क्या होगी बेचारी की, चलो स्टार्ट करके देखते हैं ना, होगी स्टार्ट, अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार लेते हैं इस पर, चलो। सो गाइस अभी हरदीप से मिलकर घर आ चुका हूँ ना, 8 बजे गया था और अभी 7 बजे आ रहा हूँ घर पे, तो टाइम का पता नहीं चला बिल्कुल भी, और वहाँ पे हम बातें होते कर रहे थे तो वो शूट किया नहीं, कहीं गए भी नहीं,
तो वहाँ से निकल के फिर मैं गया चाय सुटा बार, वहाँ से मैंने ट्राई अपने सैंडविच पैक, सैंडविच पैक ट्राई में घर पे आया और देखा घर पे कोई भी नहीं है, और अभी घर पे कोई भी नहीं है, मम्मा और पापा दोनों बाहर गए हैं, और मैंने यार वो अपना हर बार फ़ोन घर पे छोड़ के चले आते हैं, तो दोनों का फ़ोन घर पे, फ़ोन भी नहीं कर सकता, तो वेट करते हैं उनका आते हैं, तो मम्मा को बोलूँगा आज मस्त पकौड़े बना दो चाय के साथ, क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है जम्मू में, एक और सर्दी ना एकदम से बढ़ गई पता नहीं ऐसे, तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मम्मा को बोलूँगा बना दो थोड़े से पकौड़े, मज़ा आ जाएगा चाय के साथ, और सैंडविच भी लेके आया हूँ, दिखाता हूँ आपको सैंडविच खाते हैं, ठीक है। सो गाइस ये रहे अपने बढ़िया सैंडविच, ओहो ये देखो मस्त। गुड मॉर्निंग गाइस, कल का दिन तो निकल गया था ऐसे ही, फिर घर पे आके सो गया था, और अभी ये ब्लॉग को करते हैं खत्म यहीं पे ना, क्योंकि आज अगले दिन तो अगले ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, फिलहाल यहाँ तक ब्लॉग देख लेगा गाइस, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और लाइक किए बिना मत जाना, तो मिलते हैं फिर से अगले ब्लॉग में, थोड़ा सा इरेगुलर हो गया था बीच में, पर अब रेगुलर रहेंगे, रोज ब्लॉग आएंगे, तो अभी सब्सक्राइब करो फटाफट से, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।